फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme P1 Android मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल का जो माइक्रोफोन है अगर वो काम नहीं कर रहा है, माइक्रोफोन में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके ना मोबाइल फोन में ये फाइल का ऐप होता है, इस फाइल का ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको ना नीचे की साइड में ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर है सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन, आपको टैप कर लेना है, ठीक है। अब आपको इस पेज में एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहां पर आपको अगले पेज में क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो कैच के साथ मतलब डेटा ये जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, एक काम ये भी करना है कि आपके मोबाइल का जो माइक्रोफोन होता है ना, उसे आपको हल्के हाथों साफ करना है। होता क्या, उसमें थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण माइक्रोफोन ठीक से काम नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, माइक्रोफोन को ना हल्के हाथों साफ करना है, ज्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, नहीं तो माइक्रोफोन के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं और माइक्रोफोन बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, माइक्रोफोन को हल्के हाथों साफ करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। आपको अगले पेज में ना इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको नीचे इस पेज में इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है, इससे आपका फोन जो रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल के माइक्रोफोन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है, ठीक है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सभी प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो आपको करना क्या है, देखिए आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना, सर्विस सेंटर में चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के ना हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी, जिसके कारण आपके मोबाइल फोन का माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है। मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए ना, वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए, ठीक है।